नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान BSTC एग्जाम 2022 को लेकर आप सबके लिए समय की बहुत बड़ी अच्छी खबर दोस्तों निकल के आ रही है। जैसा कि आप सबको पता होगा दोस्तों, राजस्थान BSTC के ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरे जाने से छात्र चिंतित हैं। आपकी जो 2021 में परीक्षा कराई गई थी दोस्तों, उसके फॉर्म 9 मई से भरे गए थे जो 10 जुलाई तक चले थे, लेकिन अभी तक फॉर्म शुरू नहीं होने से छात्रों के मन में असमंजस है कि कब तक एग्जाम हो पाएगी, क्या इस वर्ष एग्जाम होगी भी या नहीं होगी। तो पूरी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलेगी, वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। राजस्थान BSTC की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले चैनल पर देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों, राजस्थान BSTC के ऑनलाइन फॉर्म को लेकर अपडेट किया कि 10 दिन के अंदर फॉर्म शुरू हो जाएंगे, यानी कि जो अपडेट आई 10 जुलाई के आसपास, 10 से 12 जुलाई के आसपास दोस्तों फॉर्म है वो भरे जाएंगे। इस साल PDL परीक्षा अगस्त में होती नज़र नहीं आ रही है, हालांकि दोस्तों इस साल अगस्त में हो पाएगी परीक्षा ये अभी क्लियर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि फॉर्म कम से कम एक महीने तक भरे जाते हैं। आप सबको पता होगा, अगर मान लीजिए 10 जुलाई से फॉर्म शुरू होते हैं तो 10 अगस्त तक तो फॉर्म ही भरे जाएंगे, और 20 दिन के अंदर ही आपके परीक्षा केंद्र और एडमिट कार्ड इतना जल्दी नहीं हो सकता है, तो सितंबर तक ही परीक्षा जाएगी। हालांकि अपडेट है कि इस बार फॉर्म भरने के लिए आपको कम से कम समय दिया जाएगा, 15 से 20 दिन का समय देना होगा अगर अगस्त के महीने में परीक्षा करानी है, यानी कि पूरा जुलाई इसी में बीत जाएगा। ऐसे में इस साल परीक्षा अगस्त में होने की संभावना है। प्रारंभिक शिक्षा में अध्यापक बनने के लिए आवश्यक 2 वर्षीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम DLED जरूरी है। 12वीं पास आउट अभ्यर्थी PDL कर सकते हैं। राजस्थान बोर्ड 12वीं के सभी विषयों का रिजल्ट भी आ चुका है। और दोस्तों आपको बता दूं, टोटल राजस्थान में 24,420 सीटें हैं, जिनमें 362 इंस्टीट्यूट हैं यानी कि कॉलेज हैं, और ये सरकारी प्राइवेट दोनों तरह की यहाँ पर दोस्तों कॉलेज रहती हैं। सरकारी अगर मैं कॉलेजों की बात करूँ जिन्हें आप डायट भी कहते हैं, वो लगभग 33 के आसपास हैं। इसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको दोस्तों ज़्यादा स्कोर करना होता है। एग्जाम के स्कोर के आधार पर तय होती है मेरिट। 24,420 सीटों की मेरिट लिस्ट निकलती है दोस्तों, 3 यहाँ पर लिस्ट निकाली जाती हैं, पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका एडमिशन का प्रोसेस रहेगा। राजस्थान BSTC की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एग्जाम डेट की, तो एग्जाम डेट 31 अगस्त बताई जा रही है, जैसा कि पिछले 2 साल से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि शिक्षा विभाग की लापरवाही से काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है भविष्य उलझा हुआ है, क्योंकि वो ना तो ग्रेजुएशन कर पा रहे हैं, ना ही दोस्तों BSTC की अभी तक फॉर्म भरे गए, तो ऐसे में उनमें असमंजस की स्थिति है। लेकिन दोस्तों अपडेट है कि 10 जुलाई के आसपास आपके फॉर्म भरे जाएंगे, 10 से 12 जुलाई के मध्य, तो आप निश्चिंत रहें दोस्तों, BSTC की परीक्षा का आयोजन होगा, वो भी दोस्तों इसी वर्ष आपकी परीक्षा आयोजित होगी। यह नहीं है कि आप काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि एग्जाम नहीं होगी, एग्जाम तो होगी, लेट जरूर हो गया है सत्र, क्योंकि दोस्तों पहले से ही लेट चलता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, राजस्थान BSTC के ऑनलाइन फॉरम और कॉलेज से रिलेटेड आपको सभी प्रकार की अपडेट मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।